हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परनाउन एंड इट्स टाइप्स परनाउन क्या होता है ये कितनी टाइप का होता है वर्ड्स दैट आर यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन वो वर्ड्स जो तो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं उन्हें परनाउंस बोला जाता है और ये जो परनाउंस हैं वो नाइन टाइप्स के होते हैं पर्सनल रिफ्लेक्सिव एम्पेथैटिक इंडेफिनेट रिलेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव इंटेरोगेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एंड पोजेसिव पर्सनल परनाउन क्या होता है आई वी यू ही शी इट दे आर कॉल्ड द पर्सनल परनाउंस बिकॉज दे आर ऑल स्टैंड फॉर थ्री पर्सन क्योंकि तीन पर्सन को स्टैंड करते हैं इन्हें इसलिए इन्हें पर्सनल परनाउंस कहा जाता है फर्स्ट द पर्सन स्पीकिंग जो पर्सन बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग टू सेकेंड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है हमारा थर्ड पर्सन नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव पर नाउन इट एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट एंड ऑन द सब्जेक्ट इट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो सब्जेक्ट करता है और सब्जेक्ट के ऊपर ही एक्शन किया जाता है जैसे माई सेल्फ यू सेल्फ आर सेल्फ देम सेल्फ इसमें देखिए मैंने एक एग्जाम्पल यह सेंटेंस किया हर्ट माई सेल्फ मैंने अपने आप को हर्ट किया तो ये जो माई सेल्फ वर्ड है वो क्या एक्शन हो रहा है और एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा है ठीक है तो सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है तो ये क्या हमारा रिफ्लेक्सिव परनाउन नेक्स्ट इज इट इज यूज टू एड इम्फोसिस टू द सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट में इंफोसिस एड करता है कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया वो किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया जैसे शी हर सेल्फ ओपन द डोर उसने दरवाजा खुद खोल दिया तो ये हर सेल्फ जो है वो एक्शन है जो किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया है तो ये हमारे क्या होंगे इम्पेथेटिकनाउन्स होंगे ठीक है ये फर्क है रिफ्लेक्सिव और इम्पेथेटिक में नेक्स्ट इज इंडेफिनेट परनाउन समटाइम्स अ परनाज इन द सेंटेंस डोंट रेफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन कई बार कुछ सेंटेंसेज में ऐसे परनाउन यूज होते हैं जो पर्टिकुलर किसी थिंग को या किसी पर्सन को रेफर नहीं करते जनरल वे में यूज किए जाते हैं जैसे ऑल एनी वन एनी बडी न बडी नेक्स्ट इज़ रेलेटिव परनाउन परनाउन विच इज़ यूज टू रेफर नाउन्स मैंशन प्रीवियसली वो जो पहले नाउन मैंशन किए जा चुके हैं उनको रेफर करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें रेलेटिव परनाउंस बोला जाता है जैसे हु who, होम कई बार विच भी हो जाता है ठीक है नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव परनाउन इट इंडिकेट्स अ ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब ये उस ऑब्जेक्ट की तरफ क्या इशारा करते हैं जिसे हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे दिस दैट दीज दोज ये हमारे सारे क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव परनाउंस हैं नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव परनाउंस इट इज़ यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन ये क्वेश्चन आंस करने के लिए जो पूछे जाते हैं उन इंटेरोगेटिव परनाउंस बोलते हैं जैसे वट हु विच वेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं द विच रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग एट अ टाइम जो किसी एक टाइम पे किसी पर्सन या थिंग को रेफर करें जैसे नाइदर आइदर ईच ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं पोजेसिव की अगर बात करें तो परनाउंस विच शोज अ पोजेशन और ऑनरशिप वो परनाउंस ऑफ पोजेशन और ऑनरशिप की हमारा हक जताते हैं उन्हें पोजेसि परनाउंस बोलते हैं माय माइन की मेरी चीज है ये उसकी चीज है तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें और आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना बो